राम कथा से पहले शिव की कथा जानना आवश्यक है, क्योंकि शिव की कथा का भी बड़ा ही महत्व है। यह बातें कस्बा सेवा शैला इंद्रेश पांडे के यहाँ चल रहे 9 दिन शारदीय नवरात्र के 7वें दिन राम कथा में आचार्य पंडित लोकनाथ मिश्रा जी महाराज ने कही। जी हाँ नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज हड़िया शारदीय नवरात्र के 7वें दिन रविवार को बरौद क्षेत्र के ग्राम सभा सेवा शैला में हो रहे संगीत में श्री राम कथा में कथा वाचन करते हुए आचार्य पंडित लोकनाथ मिश्र जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास की राम कथा के पहले शिवजी कथा का वर्णन किया। कहा कि वास्तव में राम को जानने से पहले शिव के चरित्र को जानना आवश्यक है। राम के चरित्र को समाज में जन जन तक पहुँचाने वाले शिव ही है। शिव सुर असुर देव नाग गंधर्व सहित समस्त जीवों के स्वामी है। उन्होंने कहा कि शिव का पहला विवाह सती से हुआ। सती को राम जी पर संशय होने पर शरीर त्याग करना पड़ा। वहीं सती अगले जन्म में पार्वती बनी, जिससे शिव जी का विवाह हुआ। और तब पार्वती जी ने शिव जी से राम कथा सुनने का आग्रह किया। तब राम कथा में गंगा शिव जी के मुख से लोक कल्याण के लिए समस्त चराचर जगत में प्रवाहित हुई। कथा के बीच बीच में गीतों भजनों के गुजने से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। संयोजक इंद्रेश पांडे, माता सेवक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के विजय श्याम शुक्ला, लल्लन शुक्ला, पप्पू दुबे, लल्लू पांडे, सतीश उपाध्याय, राजेश चौबे, श्यामधर पांडे, मुरली श्याम पाठक, कृष्ण पाठक, पेशकार चौबे, महेंद्र पांडे, श्यामधर मिश्रा, नीलेश पांडे, नागेंद्र पांडे, राकेश पांडे, निशु पांडे, राजेश शुक्ला, वल्लू सेठ, शिवसागर शुक्ला, विनोद पांडे, अंशु पांडे, भक्तगण भारी संख्या में उपस्थित रहे। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से आशुतोष शुक्ला, हंडिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश।